50 के दशक में धार्मिक फिल्मों और 70 के दशक में इमोशनल माँ के कैरेक्टर्स से लोकप्रियता हासिल करने वाली एक्ट्रेस निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को हुआ था। निरूपा रॉय का जन्म गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा है। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद निरूपा रॉय ने अपना नाम बदल लिया था। उनकी महज 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी हो गई थी। शादी के बाद निरूपा रॉय मुंबई पहुंची। ४६ में उनके पति ने गुजराती अखबार में एड देखा था। एक फिल्म के लिए किरदार की तलाश थी। उन्होंने निरूपा का प्रोफाइल भेजा और चुन ली गई। रनक देवी से उन्होंने फिल्मों में आगाज किया। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म के लिए डायरेक्टर होमी वाडिया ने उनको कास्ट किया। फिल्म का नाम अमर राज था। उनके साथ हीरो थे त्रिलोक कपूर। उन्होंने 50 से 60 के दशक में 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। उन्होंने अभिनेता त्रिलोक कपूर के साथ दर्जनों धार्मिक फिल्में की। देवी के किरदारों में निरूपा रॉय ने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें सचमुच में देवी मानने लगे थे और लोग उनके घर जाकर उनके पैर छूते थे और भजन गाते थे। जहां 50 के दशक में फैंस के लिए निरूपा देवी थी, वहीं 70 से 80 के दशक में निरूपा रॉय ने कई फिल्मों में मां के किरदार से मशहूर हुई थी। इस फिल्म के बाद वे सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन की मां के तौर पर लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहीं। साल 1999 में आई फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय दोनों आखिरी बार माँ बेटे के रोल में दिखे थे। नवंबर 2015 में कमल की मौत के बाद निरूपा के दोनों बेटों के बीच भी विवाद की खबरें आई थी। दरअसल साल 2004 में निरूपा की मृत्यु के बाद उनके पति कमल संपत्ति के इकलौते मालिक बन गए थे, जिसके बाद उनके बेटों और पिता में काफी परेशानियां देखने को मिली थी। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि रियल लाइफ में दो बेटों के बीच दीवार बनी निरूपा को रियल लाइफ में भी इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ी। अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। निरूपा रॉय ने 13 अक्टूबर 2004 को इस दुनिया को अलविदा कहा था।